मोदी सनी मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक भी लगा दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। वहीं कोर्ट ने कहा कि जब तक अपील लंबित है तब तक सजा पर अंतरिम रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान अच्छे मूड में नहीं होते हैं। सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि राहुल को अधिक सावधान रहना चाहिए और समझ कर बोलना चाहिए। राहुल गांधी की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से कहा कि उन्हें सजा पर रोक लिए आज एक असाधारण मामला बनाना होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच कहा कि वे जानना चाहते हैं कि राहुल को अधिकतम सजा क्यों दी गई। कोर्ट ने कहा कि अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी आयोग नहीं ठहराए जाते। कोर्ट की टिप्पणी पर महेश जेठमलानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले राहुल गांधी को आगाह किया था जब उन्होंने कहा था कि राफेल मामले में शीर्ष अदालत ने प्रधानमंत्री को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि उनके आचरण में कोई भी बदलाव नहीं आया। वहीं मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कई दलीलें दी हैं। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता पुनीश मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं है और उन्होंने बाद में ये उपनाम अपनाया है। कोर्ट में दलीलें क्या दी गई हैं, चलिए मैं आपको बताती हूं। वकील सिंघवी ने दलील दी है कि मानहानि केस की अधिकतम सजा दे दी गई है। इसका नतीजा ये होगा कि 8 साल तक जनप्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे। वहीं पुनीश मोदी के वकील महेश जेठमलानी ने राहुल का बयान पढ़ा और कहा कि सारे चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं और ढूंढोगे तो और मोदी चोर निकल आएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे बहस चली। सुनवाई जस्टिस पीआर गवई, पीएस नरसिम्हा और संजय कुमार की बेंच ने की और राहुल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और पुनीश मोदी की तरफ से महेश जेठमलानी ने दलीलें दी हैं। और अब राहुल गांधी को एक बड़ी राहत भी मिल गई है। तमाम बड़ी खबरों पर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।